हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ट्रिपल सी के क्वेश्चन पेपर को भी और कोर्स मटेरियल को भी डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें मैंने पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप पहला चैप्टर अगर नहीं देखे हैं तो आप पहला चैप्टर को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। यदि आप काम सीखना चाहते हो तो मैंने इसका वर्क भी एक प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। यदि आपको एग्जाम ट्रिपल सी का देना है तो आप बैठे घर बैठे भी इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो, या आप कहीं तैयारी कर रहे हो एसएससी बैंकिंग का तो फॉर्म डाल के भी इसका हेल्प ले सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए पहला लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ, ठीक है, और यहाँ लिखा है इसका डिटेल, ठीक है। तो इनको हम अच्छे समझेंगे क्या है चीज़। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा करता है, तो इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से और पढ़ लेना ढंग से, वरना प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो लिखा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसको समझो। लिखा है इसका उद्देश्य यूजर को तीव्र रिस्पॉन्स टाइम उपलब्ध कराना है, मतलब काफ़ी फास्ट ट्रैक पर काम करे। इसमें यूजर का हस्तक्षेप कम हो, मतलब यूजर कम इंटरफेयर करे, व साथ ही यदि कोई प्रोग्राम एक निश्चित अवधि में पूर्ण नहीं हो पाता है तो आगे के प्रोग्राम में इरर आ जाती है, तो परिणाम रुक जाता है। एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं लाइनक्स M2S, मतलब क्या, अगर आप कोई काम कर रहे हो अगर इसमें कोई इरर आ जाती है ना, बहुत तेज से काम करता है, अच्छा रिस्पॉन्स टाइम देता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन जब इसमें प्रोग्राम टूटी आता है ना तो प्रोग्राम रुक जाता है। अगर एग्जाम्पल पूछे कि इसमें इसका रियल टाइम का एग्जाम्पल कोई है तो बता सकते हो लाइनक्स और MTOS, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो लिखा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको समझो अच्छे से। इसके अंतर्गत एक समय में एक ही यूजर प्रभावी रूप से कार्य करता है, जैसे डॉस और विंडो XP की हम बात करें, ठीक है, तो स्पेशली जो डॉस होता है इस पे क्या होता है, बंदा कोई भी बंदा एक बार काम करेगा, मतलब इसीलिए कहते हैं इसको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि एक टाइम में एक ही यूजर उस पर काम करे, इसलिए उसको बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो जैसा नाम है ना वैसा काम भी है, ख्याल रखना बहुत अच्छे से। सिंगल यूजर मतलब सिंगल बंदा है, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग मतलब क्या होता है, देखो इस लिखा है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कई यूजर एक संसाधन को सिक्वेंस में एक निश्चित समयावधि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी प्रबंध अति आवश्यक है, उदाहरण के लिए यूनिक्स विंडोज 2000। देखो लिखा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टीटास्किंग, मतलब एक टाइम में बहुत से लोग काम करें जिस पे, ठीक है ना, जिसे लिखा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत यूजर एक संसाधन को क्रमानुसार चलाए, मतलब एक लोग काम कर लिए फिर अगले बंदे को ट्रांसफर कर दिया जाए, मतलब कंटिन्यू काम किया जाए। अब बात करते हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में। देखो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें लिखा है इसमें एक जैसे कार्यों को एक समूह में संकलित कर लेते हैं जिन्हें बैच कहा जाता है, मतलब बहुत सारे काम आपके पास हैं उनको एक बैच में बना दिया जाए, ठीक है ना, एक बैच के तहत काम किया जाए, और वह यूजर के हस्तक्षेप के बिना जिसकी प्राथमिकता के आधार पर यूज किया जाएगा। जैसे क्या होता है ना, फर्स्ट इन, आपने नाम सुना होगा फर्स्ट इन, ठीक है, FIFO का नाम सुना होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, जो प्रोग्राम का सिक्वेंस होता है वो इसमें लगा दिया जाता है कि जो प्रोग्राम पहले आएगा वो प्रोग्राम चलेगा, ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट देखो लिखा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है, इसमें एक से अधिक प्रोग्राम या कार्य को CPU द्वारा दिए गए निश्चित समय पर एक साथ एक्सिक्यूट किया जाता है, इस निश्चित समय को टाइम स्लाइस कहा जाता है। देखो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेड भी बोलते हैं, ख्याल रखना इस बात का मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक मिनट रुकना, यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग थोड़ा सा अलग भी हो जाएगा, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। मल्टी प्रोग्राम क्या होगा, इसमें एक से अधिक प्रोग्राम या कार्य को CPU द्वारा दिए गए निश्चित समय पर एक साथ क्रियान्वित किया जा सकता है, इस निश्चित समय को टाइम स्लाइस कहेंगे, मतलब एक टाइम दे दिया गया है कि इस टाइम में आपको ये काम करना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइम स्लाइस, ओके। अब देखो नेक्स्ट है देखा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से पढ़ना। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्या था उसको समझना अच्छे से। लिखा है इस सिस्टम में दो या अधिक CPU प्रयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए लाइनक्स और यूनिक्स,
है ना, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक साथ बहुत सारे काम करना, प्रोसेस करना, ठीक है ना, बहुत सारे जॉब को, जॉब मतलब होता है काम, ठीक है ना, वर्क की बात हो रही है, जॉब को बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक से अधिक जॉब को, एक्सक्यूट को सपोर्ट किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ मल्टी थ्रेडिंग, जैसे क्या कर सकते हैं, मान लो ये एक प्रो ब्लॉक है, एक कंप्यूटर है, आप यहाँ पे सॉन्ग सुन रहे हो, वीडियो बना रहे हो, या और एमएस वर्ड ओपन कर लिया है, ये तीन चार चीजें, प्रिंटिंग लगा रही है, प्रिंट हो रहा है, यानी बहुत सारे काम हो रहे हैं ना। तो क्या होता है, जब ये बहुत सारे काम होते हैं तो इतना फास्ट होते हैं ना, हमें लगता है कि सब एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, कुछ मिली सेकेंड में काम करते हैं, 10 मिली सेकेंड ऐसा कुछ, इतना फास्ट कर, मतलब क्या होता है, जब एक काम ये पूरा हो जाए, फिर ये पूरा हो, फिर ये पूरा हो, फिर ये पूरा हो, फिर वापस आ जाता है तुरंत, ये ऐसे चलता है, ठीक है, फिर वापस करेगा 10 10 सेकेंड, 10 10 सेकेंड सारे टास्क को करता है, ठीक है, 10 10 मिली सेकेंड, इतना फास्ट करता है कि हमें पता भी नहीं चलता है। जैसे आपने देखा लाइट, कभी आप बल्ब देखिएगा ध्यान से, अब बहुत ध्यान दोगे शायद आपको समझ में आएगा कुछ, ठीक है, वो भी लाइट जलती है बुझती हुई है, ठीक है, पता नहीं चलता। लेकिन इसके बाद देखो नेक्स्ट लिखा है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या, देखो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार ये तो हो गया हमारा, अब बात करते हैं सिंगल यूजर और मल्टी टास्किंग ऑपरेटर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से यूजर एक बार में कई प्रोग्राम रन करा सकता है। उदाहरण के लिए एप्पल का जो मैकिंटोश सॉफ्टवेयर है, विंडोज है, ठीक है ना, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एप्पल का जो मैकिंटोश और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आता है वो इसके अंतर्गत आता है। अब देखो नेक्स्ट मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग क्या है। मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कई यूजर कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग एक से अधिक काम होगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्क सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगर मल्टी देखो पूछेगा एग्जाम्पल यहाँ पे ना, आपका जो क्वेश्चन रहेगा कि नेटवर्क सिस्टम का प्रयोग इनमें से किस में किया जाता है, तो क्या लगना, और एक और क्वेश्चन पूछेगा कि नेटवर्क सिस्टम का प्रयोग मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग में किया जाता है, और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हम बात करेंगे विंडोज एनटी और यूनिक्स की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक, अब लिखा है विंडोज की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ विंडोज की बात हो रही है, उसको थोड़ा बहुत जान लो क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा करता है, ठीक है। लिखा है विंडोज की संरचना स्ट्रक्चर को जानने के लिए हम माई कंप्यूटर विंडोज पर स्टार्ट मेनू ऑप्शन पर माई कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं। वैसे देखो विंडोज एक्सपी की बात करें तो वहां पे माई कंप्यूटर दिख जाता है, बाकी लिखा होता है दिस पीसी, ठीक है ना, जो जहां से हम ओपन करते हैं अपना ड्राइव, क्लिक करते ही मॉनिटर स्क्रीन पर माई कंप्यूटर विंडोज प्रदर्शन होता है, दिखता है। विंडोज की जो स्ट्रक्चर को विस्तृत रूप में जानने के लिए हम कुछ भागों में बांटेंगे। एक होता है टाइटल बार, यानी जो किसी भी सॉफ्टवेयर का जो ऊपर का पार्ट होता है, सबसे ऊपर पार्ट, उसको बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है, सबसे ऊपर वहीं पर मिलता है, आपने नोटिस किया होगा, इससे रिस्टोर रिस्टोर होता है, मूव होता है, कट कॉपी पेस्ट होता है, सॉरी देखो वहां पे हमें मिलेगा, हमें रिस्टोर मिलेगा, मूव मिलेगा, साइज मिलेगा, और मिनिमाइज मिलता है, मैक्सिमाइज मिलता है ना, ठीक है। अब देखो लिखा है मेनू बार, मेनू बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको, आप कोई भी ओपन कर लो, जैसे वर्ड ओपन कर लिया, एक्सेल ओपन कर लिया, अगर एमएस वर्ड की बात करें तो उसमें होता है होम मेनू, इंसर्ट मेनू, डिजाइन मेनू, ट्रांजिशन मेनू, मतलब बहुत सारे मेनू होते हैं ना, एमएस वर्ड की बात हो रही है, ठीक है। और पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट में डिजाइन, ट्रांजिशन वगैरह मिलता है। ओके तो हम बात करते हैं यहाँ पे मेनू बार की, तो अधिकांश विंडो में मेनू बार होती है, ऐसे विंडोज किसी प्रोग्राम की विंडोज नहीं होती हैं, जैसे माई कंप्यूटर विंडोज में भी मेनू का प्रदर्शन होता है। जैसे कोई फोल्डर ओपन करते हो तो वहां पे मिलता है आपको फाइल, एडिट और व्यू मिलता है मेनू, ठीक है। किसी फोल्डर को रीनेम करना हो तो उसको सेलेक्ट करके आप F2 की का इस्तेमाल करते हो। हम बात करते हैं टूल बार, विंडोज में मेनू बार के नीचे अनेक आइटम होते हैं, बटन रूप में एक पट्टी पर प्रदर्शित होती है, बटन की यह पट्टी ही टूल बार कहलाती है, जो नीचे सबसे पार्ट होती है उसको बोलते हैं टूल बार, ठीक है। पैनल क्या होता है, सामान्यतः विंडोज एक्सपी की विंडोज में बाई ओर के भाग में कुछ पैनल होता है, ठीक है ना, बाई ओर मतलब जो ट्राइकन होते हैं उनको पैनल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद सॉरी जो राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं ट्राइकन, और जो बाएं साइड होता है उसको पैनल बोलते हैं, पैनल का नाम पट्टी में लिखा होता है। अब बात करते हैं स्क्रॉल बार, एप्लीकेशन विंडो की जो डॉक्यूमेंट विंडो होती है,
उसमें जो सूचनाएं होती हैं हमारे पास बहुत सारे पृष्ठ पे, उनको हम स्क्रॉल बार करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो लिखा है माउस का प्रयोग एवं आइकन को स्क्रीन पर मूव करना, इसको कैसे करोगे? देखो इसमें थोड़ा सा टॉपिक जान लो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं इसमें, क्योंकि एग्जाम पर्पज से जितना इंपॉर्टेंट होगा वही जानो। देखा माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है तथा यह स्क्रीन पर, मैंने इनपुट डिवाइस का एक अलग सेशन बनाया, आप वो फर्स्ट लेसन जब आप देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, माउस मूव करता है वगैरह वगैरह, इसमें लिखा है डबल क्लिक पे काम करता है, सिंगल पे काम करता है। माउस पे जब हम कोई चीज लिखते हैं ना, से अगर कुछ ऐसे ड्रा करते हैं, इसको बोलते हैं ड्रैग करना, खींचना। ड्रैगिंग बोलते हैं या ड्रॉपिंग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि हम माउस में अगर कोई किसी पोजीशन को सेलेक्ट करते हैं, किसी वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, तो हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, तो वहां पे हम ड्रैग करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखा है यूजर इंटरफेस। ये क्या है? यूजर इंटरफेस प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यूजर इंटरफेस कंप्यूटर और यूजर के मध्य एक कैसे ना कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन काम करता है। यूजर इंटरफेस का प्रयोग प्रोग्राम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और होता है ग्राफिकल, मतलब एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एक होता है GUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एक होता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम एवं ऑपरेटिंग सिस्टम जो खास शब्दों एवं अक्षरों के कमांड स्वीकार करते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहलाते हैं। ऐसा यूजर इंटरफेस जो यूजर को स्क्रीन पर उपस्थित ऑब्जेक्ट पर पॉइंट और क्लिक करके कमांड देने की अनुमति देता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो लिखा है टास्क बार क्या होता है। टास्क बार विंडोज XP के डेस्कटॉप पर नीचे जो पट्टी दी होती है उसको टास्क बार बोलते हैं। वहीं पे हम इसको किसी भी प्रोग्राम को ओपन करके उसको पिन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आइकन। आइकन क्या होता है? जो आपके डेस्कटॉप पे होता है फाइल फोल्डर आइकन डिस्क ड्राइव का लोकेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं। स्टार्ट मेनू तो आपने नोटिस किया होगा जो लेफ्ट लेफ्ट साइड में होता है कॉर्नर में, वो चीज। ठीक है, तो ये रहा GUI का चैप्टर लेसन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप आगे तक बने रहना चाहते हैं और CCC का कोर्स पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो SSC बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है उनको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।